नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में बैक टू बैक टेस्ट क्या होता है, मतलब समर टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट वैसे तो देखा जाए तो अपनी किताबों में मिलता भी नहीं है, बहुत कम मिलता है। और क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है लेकिन अपनी बुक्स में कम अवेलेबल होने के कारण अपने इसकी जानकारी अपने को कम है। और एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं क्योंकि पर्सन जब भी डीबली होता है तो बैक टू बैक टेस्ट क्या होता है ये पूछे। अब बैक टू बैक टेस्ट क्या कहेंगे उसके बारे में पता नहीं है, तो आज उस बैक टू बैक टेस्ट मान लो, सैम्पल टेस्ट मान लो, या फिर लोड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, लोड टेस्ट क्या होता है, तो उस लोड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए कि आप बीच में से कहीं आपको मिस हो जाए कि सर आप लोगों ने बीच में जंप लगा दिया। जंप नहीं लगाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ते चले जाएंगे, एक एक सर्किट डायग्राम के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखेंगे, कनेक्शन के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे और क्यों ये बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई और किसके आधार पर यह किया जाता है, ये क्या प्रदर्शित करने वाला है बैक टू बैक टेस्ट। तो ये बहुत कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिनके बारे में नहीं जानेंगे तो बहुत कुछ बीच में से अपना सिलेबस अधूरा रह जाता है। तो आज उस बैक टू बैक टेस्ट वाला संपूर्ण टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों को अच्छे तरह समझ में आएगा, यदि वीडियो को मिस कर दोगे तो बहुत कुछ बीच में बातें छूट सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए और अपने नोट्स में इसको ऐड करते रहिए ताकि भविष्य में दोबारा आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो आज देखेंगे ट्रांसफार्मर में बैक टू बैक टेस्ट क्या होता है। बैक टू बैक टेस्ट, अब इसको कहेंगे क्या, इसको सैंपलर टेस्ट भी कहते हैं, ये सैंपलर टेस्ट कहते हैं। अब देखो सैंपलर टेस्ट लिख देता हूं, टेस्ट को कहते हैं। अब सैंपलर टेस्ट क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ट्रांसफार्मर में टेस्ट को किया जाता है। जैसे आप लोगों ने इससे पिछले दो टेस्ट देखे थे, कौन कौन से याद होगा आप लोगों को, यदि आपने मेरे वीडियो देखेंगे और नोट्स बनाए होंगे, मैंने आपको बहुत गहराई से पढ़ाया था, बहुत डीपली पढ़ाया था। एक पढ़ाया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक पढ़ाया था ओपन सर्किट टेस्ट, आपको याद होगा। आज उनके बारे में फिर दोहराऊंगा आप लोगों को, मैं उनके बारे में फिर आपको बताऊंगा क्योंकि उन दोनों का वर्गीकरण यहां होने वाला है, इस बैक टू बैक टेस्ट में होने वाला है। और वो चीजें बताऊंगा कि हानियां कौन कौन सी होती थी, हानियों का चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, आयरन लॉस थी और कॉपर लॉस थी, उनके बारे में भी यहां चर्चा करूंगा। यदि आप लोगों को, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नोट्स बनाएंगे तो आज आपको जोर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि मैं प्रत्येक वीडियो सिलेबस के अनुसार ही बनाता हूं, प्रत्येक जो सिलेबस चल रहा है उसको पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से संयोजित किया गया है, इस प्रकार से समायोजित किया गया है कि पहले लास्ट का सिलेबस, लास्ट का जो टॉपिक है वो बीच में नहीं पढ़ाया जाए, आराम से धीरे धीरे चलता जाए कि आगे आगे उनका सिलेबस होता है। इसलिए मैंने प्रत्येक वीडियो आपको इस प्रकार बताया और मैंने आपको बताया कि इसको आप नोट्स में ऐड कर लेना कि धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आगे आगे सारी जानकारी हो जाएंगी। यदि लास्ट का वीडियो पहले देखते तो आप कहते सर इसमें ये बीच में क्या आ गया, ऐसा मैंने नहीं किया आप लोगों के सामने, आप लोगों को नहीं पढ़ाया ऐसा मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिए, आज मैं आपको बैक टू बैक टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। देखो अब संपूर्ण टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने देखा था ओपन सर्किट टेस्ट, याद होगा आप लोगों को ओपन सर्किट टेस्ट। अब क्यों किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट, क्यों किया जाता है आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान पद बता दूंगा कि ऐसे इतनी मेमोरी भी नहीं है आप लोगों की कि सर पीछे की बातें सारी याद होंगी, मैं आपको साथ साथ रिविजन करवाते चला जाऊंगा। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया था और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया था, ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी आपको मैं याददाश्त करवा दूंगा आप लोगों की। एक था शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या था, ओपन सर्किट ज्यादा तो गहरा नहीं बताऊंगा, मोटे मोटे बात बताऊंगा कि ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है, आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। ध्यान होगा आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, ये आप लोगों को याद होगा, ये क्या करेगा, ये आयरन लॉस दर्शाएगा, आयरन लॉस। और ये क्या दर्शाएगा, ये कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर में दो ही तो लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस और आयरन लॉस की जानकारी क्यों लेते हैं, ये आप लोगों को पता होगा ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैंने दक्षता का चैप्टर पढ़ा तब भी बताया था कि ट्रांसफार्मर की दक्षता हानियों पर डिपेंड होती है, हानियां कितनी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इनपुट का मान आउटपुट से अधिक होता है या आउटपुट का मान इनपुट से कम होता है, ध्यान होगा आप लोगों को। ठीक है ना, आउटपुट का मान, आउटपुट कम होती है इनपुट से, क्यों, क्योंकि इसका मेन रीजन है लॉस, बीच में क्या आएगा लॉस। यदि हानियों का मान नहीं होगा तो आउटपुट इनपुट बराबर होंगी, यदि हानियां होंगी तो आउटपुट का मान इनपुट से हमेशा ही कम होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की मशीन क्यों ना हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो,
मोटर हो, अल्टरनेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीन हो, या इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है, मैकेनिकल मशीन होगी, सब में यही होता है कि हानियाँ मौजूद होंगी तो इन आउटपुट का मान हमेशा कम मिलेगा। अब ये थे आप लोगों की आयरन लॉस। अब आपको ध्यान होगा आयरन लॉस कितने प्रकार की थी, दो प्रकार के थे आप लोगों को, एक थी एडी करंट लॉस और एक थी हिस्टेरेसिस लॉस, ये थी, और दोनों को मिलाकर क्या बनाया, डब्ल्यू आई आयरन लॉस, ऐसे था, ध्यान होगा आप लोगों को। ये क्या है, ये आप लोगों की कॉपर लॉस है, ये दो हानियों का वर्गीकरण किया था। इसमें आप लोगों को छोटी मोटी बातें बताऊं, आप लोगों को ओपन सर्किट टेस्ट में एचवी वाइंडिंग को ओपन किया था और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट किया था, ठीक है, ये आप लोगों को बताया था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मुख्य वाइंडिंग जो जो प्राइमरी वाइंडिंग है जिसको विद्युत सप्लाई से संयोजित किया है उसको कुल वोल्टेज का 5% वोल्टेज ही दिया जाता है, जिससे कि सेकेंडरी वाइंडिंग फुल लोडेड हो जाए, ये आपको हमने बताया था। तो अब देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इन दोनों की जरूरत पड़ती है एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए, एफिशिएंसी परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए कि लो हानि और तम हानि क्या होती है। अब देखो आज करेंगे बैक टू बैक टेस्ट, सैंपलर टेस्ट में क्या होगा। अब ये मान लो कि ओपन सर्किट टेस्ट आप लोगों ने आयरन लॉस ज्ञात की और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप लोगों ने कॉपर लॉस ज्ञात की, ध्यान आप लोगों को, तो ये दोनों ज्ञात कर ली। अब आज ये सैंपलर टेस्ट मान लेते हैं या ये बैक टू बैक टेस्ट मान लेते हैं, एक ही बात है, सैंपलर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट एक ही बात है, मैं एक ही नाम लिख देता हूं, बैक टू बैक टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों हानियों का मान दर्शाएगा, सैंपलर टेस्ट क्या करेगा, इससे दोनों हानियां कौन कौन सी, ये हानि देखो, एक ये होगी डब्ल्यू आई आयरन लॉस और डब्ल्यू सी कॉपर लॉस, दोनों हानियां ज्ञात की जा सकती हैं, किससे, सैंपलर टेस्ट से ज्ञात की जाती हैं, याद रखना। ये इंडिविजुअल टेस्ट थे कि आयरन लॉस के लिए ओपन सर्किट ज्ञात करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, और कॉपर लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, लेकिन सैंपलर टेस्ट में दोनों सर्किट दोनों हानियां एक साथ ज्ञात हो जाएंगी, ये याद रखना बात, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता है कि आयरन लॉस क्यों ज्ञात की जाती है और कॉपर लॉस क्यों ज्ञात की जाती है, दक्षता ज्ञात करने के लिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो अब इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, सैंपलर टेस्ट में क्या होगा, सैंपलर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट क्या होगा, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट व शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने, तथा तापमान के बढ़ने पर टेम्परेचर राइट टेम्परेचर बढ़ता है उसको भी टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर को फुल लोड करना पड़ता है, ध्यान होगा आप लोगों को। ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करेंगे तो ओपन सर्किट टेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा, एक बात, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा, दो बात, गौर से सुनना मेरी बात, और फिर टेम्परेचर बढ़ता तो टेम्परेचर टेस्ट भी ज्ञात करना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना बढ़ता है, हानियों का मान बढ़ेगा घटेगा टेम्परेचर से, वो भी ज्ञात करना पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को लोड करेंगे, फुल लोड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो फुल लोड करना की आवश्यकता होती है शॉर्ट सर्किट में, यहाँ ओपन सर्किट में लोड करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ फुल लोड करेंगे, जो बहुत कठिन काम होता है, होता कि नहीं होता, फुल लोड करना पड़ता है। और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर तो फुल लोड आराम से कर लेते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो आसानी से फुल लोडेड कर लेते हैं, उनको शॉर्ट सर्किट में कर लेते हैं, फुल लोडेड कर लेते हैं, लेकिन जहाँ अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर की बात आती है, जहाँ की एमवी में ट्रांसफार्मर आते हैं, केवी में आते हैं, जहाँ 100-100 केवी के 100-100 एमवी में के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको शॉर्ट सर्किट करना और फुल लोडेड करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए उनकी दक्षता कैसे ज्ञात करेंगे कि फुल लोडेड कर नहीं सकते तो कुल कॉपर हानि का मान ज्ञात नहीं कर सकते, कुल कॉपर हानि का मान ज्ञात नहीं कर सकते तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात नहीं कर सकते, तो टेढ़ा काम हो गया। इसलिए उस काम को आसान करने के लिए कौन से को, कि फुल लोडेड न करना पड़े और शॉर्ट सर्किट टेस्ट न करना पड़े, उस एक को आसान ज्ञात करने के लिए, उसको मतलब उस टेस्ट को आसानी से ज्ञात करने के लिए या ट्रांसफार्मर की दक्षता को आसानी से ज्ञात करने के लिए बैक टू बैक टेस्ट और सैंपलर टेस्ट किया जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरह से, कि ये दोनों के दोनों टेस्ट न करने पड़े, ये तो आसानी से कर लेते हैं, ये टेस्ट बहुत कठिन होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना, इसलिए ये कठिन काम को आसान करने के लिए, ट्रांसफार्मर को फुल लोडेड करने से बचने के लिए, ट्रांसफार्मर में दक्षता ज्ञात करने के लिए, तो सैंपलर टेस्ट, इसलिए कह सकते हैं कि सैंपलर टेस्ट क्यों करते हैं, ये टेस्ट क्यों करते हैं, एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए। मेरी बातें गौर से समझ गए होंगे आप लोग, कि मैं इतनी देर से क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि दोनों के दोनों टेस्ट करेंगे किससे, सैंपलर टेस्ट से, जिससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हाँ ये दक्षता ज्ञात कर सकते हैं, तो दक्षता को निपुणता भी कहते हैं, ट्रांसफार्मर की निपुणता ज्ञात करने के लिए या दक्षता ज्ञात करने के लिए या एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए इसका टेस्ट करते हैं। तो पूछा जाए कि दोनों के दोनों टेस्ट किससे ज्ञात कर सकते हैं, सैंपलर टेस्ट क्या करता है, ओपन सर्किट टेस्ट भी करता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करता है सैंपलर टेस्ट, ठीक है।
ये सम्पनर टेस्ट क्या कर सकता है, आयरन लॉस भी ज्ञात कर सकता है और कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकता है, दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए दोनों ज्ञात हो जाएंगे तो आप लोगों को पता है दक्षता ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि इनपुट में से लॉस घटा देंगे आउटपुट मिल जाएगी, और आउटपुट अपॉन इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। आसानी से दक्षता ज्ञात हो जाएगी। तो अब वो सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं वो डायग्राम का करेक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को, किस प्रकार बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है और किस किस प्रकार इसमें मान का मान निर्धारित किया जाता है। तो अब क्या देखेंगे, अब वो देखेंगे कि सर्किट कैसे होता है, बैक टू बैक टेस्ट का सर्किट कैसे होता है और किस प्रकार वो दक्षता को ज्ञात करता है। तो कनेक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, इतनी बातें समझ गए तो कनेक्शन और देख लो, कनेक्शन पे ही सब कुछ टिका हुआ। इस वीडियो में सब कुछ क्या होगा, इस सर्किट डायग्राम पे ही टिका होगा। सर्किट डायग्राम को जितना अच्छी तरह समझ लोगे तो आपको इस बैक टू बैक टेस्ट समझने में जोर नहीं आएगा। तो मैं आपको वो इक्विपमेंट बता देता हूँ, देखो कौन कौन सी इक्विपमेंट वो होंगे आपके पास। दो ट्रांसफार्मर चाहिए आपको, क्या चाहिए, दो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर चाहिए आप लोगों को, ठीक है, और दो वाट मीटर चाहिए आप लोगों को। दो क्या चाहिए, वाट मीटर चाहिए आप लोगों को, और एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर तो अपनी आवश्यकता अनुसार जहां भी आपको कनेक्ट आप रहा है वो बीच बीच में बता दूंगा कहां लगाएंगे। एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर तो अपनी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज चेक करने के लिए दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। तो लगभग दो तो एम्पीयर मीटर होंगे, एमीटर कितने होंगे, दो एमीटर होंगे, दो एमीटर होंगे और दो ही वोल्ट मीटर होंगे आप लोगों के, और आवश्यकता अनुसार आपको और चाहिए तो एक दो और लगा लेंगे, लेकिन लगभग दो ही चाहिए। ये आपको इक्विपमेंट चाहिए। अब आप लोगों को शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको दिखाऊं कि वहां वाट मीटर क्या दर्शाया था। ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर क्या दर्शाता था, आयरन लॉस दर्शाता था। शॉर्ट सर्किट में वाट मीटर में जो रीडिंग आई थी वो क्या दर्शाई उसने, उसने कॉपर लॉस दर्शाया आप लोगों को। तो आज यहाँ उस सर्किट को दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो दो ट्रांसफार्मर लेंगे, कैसे लेंगे, दो ट्रांसफार्मर सेम साइज के लेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग, सेम साइज के लेंगे। जैसे कि 5 KVA का ट्रांसफार्मर लिया आप लोगों ने, तो दोनों के दोनों किसके लेंगे, 5 KVA के ही लेंगे, दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर सेम साइज के, सेम कंडीशन के लेंगे। दो ट्रांसफार्मर समान साइज के लेंगे सिंगल फेज वाले। अब वो देखते हैं बैक टू बैक टेस्ट का सर्किट डायग्राम क्या होता है। अब थोड़ा गौर से देखना कि एक आपको मैंने बताया कि दो ट्रांसफार्मर समान साइज के लेंगे, दो ट्रांसफार्मर क्या लेंगे, समान साइज के लेंगे। तो एक ट्रांसफार्मर आपको दिखा देता हूं, एक ट्रांसफार्मर ये ले लेता हूं, एक ट्रांसफार्मर ये लिया और एक ट्रांसफार्मर ये ले लेता हूं। यहां पे दोनों समान साइज के ट्रांसफार्मर लेंगे। जैसे आप लोगों के देखिए समान साइज के, जैसे ये एक 10 KVA का ट्रांसफार्मर है तो ये 10 का लेंगे, ये 5 का तो 5 का लेंगे, ये 50 का तो 50 का लेंगे, समान साइज के ट्रांसफार्मर लेंगे। इनमें क्या होंगी, दो ट्रांसफार्मर, दो तो प्राइमरी वाइंडिंग होंगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग इसकी और ये इसकी, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। आप लोगों की तरह जानते हो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसको सप्लाई से संयोजित करते हैं वह प्राइमरी, जिसको सप्लाई जिसमें लोड लेते हैं वह सेकेंडरी। तो सप्लाई से संयोजित किसको करेंगे, इनको करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ ये रहेगी आपकी सिंगल फेज सप्लाई, ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई मान लेता हूँ मैं, ये आपका रहेगा, ये आपका होगा ये फेज और ये न्यूट्रल हो गया आप लोगों का, ये हो गया। अब दोनों को संयोजित करते हैं, यहाँ से देखो कैसे, यहाँ इसको मैं इससे संयोजित कर देता हूँ ये, ठीक है ना, इसको संयोजित कर दिया ऐसे, और इसको संयोजित करने के ऐसे, इसको भी मैं सिंगल फेज सप्लाई से ऐसे संयोजित कर देता हूँ, ये संयोजित कर दिया, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरे सिरे को न्यूट्रल से संयोजित कर दिया, और सिंगल फेज से संयोजित हो, दोनों की दोनों प्राइमरी वाइंडिंग सिंगल फेज से कनेक्टेड हो चुकी हैं। इसके पीछे क्या लगाएंगे, इसके पीछे आप लोगों को बता देता हूँ साथ साथ में। यहाँ एक तो लगाएंगे वाट मीटर, मैंने आपको बताया क्या क्या इक्विपमेंट लगाएंगे, एक वाट मीटर लगाएंगे, ये वाट मीटर की प्राइमरी वाइंडिंग, वाट मीटर के बारे में जानते हो, एक प्राइमरी, एक तो इसकी पीसी होती है, एक सीसी होती है, सीसी श्रेणी क्रम में होती है और पीसी पैरेलल में होती है। ये इसकी पीसी और ये सीसी लग गई है, कि ये क्या लग गया, ये वाट मीटर लग गया। इसके पीछे क्या लगाएंगे, एक एम्पीयर मीटर लगाएंगे, ये एम्पीयर मीटर लगा दिया, और इसके पीछे क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, और इसके पीछे क्या देंगे, इसके पीछे देंगे सिंगल फेज सप्लाई, इसके पीछे क्या देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे यहाँ से, ये आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई, ये आपका एक सर्किट पूरा होने जा रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर का सर्किट की इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड कर दी है मैंने, प्राइमरी वाइंडिंग में जो कुछ लगा वो लगा दिया, कनेक्टेड कर दी है। यहाँ वोल्ट मीटर नंबर एक, ये एम्पीयर मीटर नंबर एक, ये आपका वाट मीटर नंबर एक, ये आपका क्या है, वाट मीटर नंबर एक, एक नंबर का वाट मीटर है, क्योंकि वाट मीटर दो प्रयोग करेंगे,
ये दोनों टेस्ट करने हैं। आप लोगों को पता कि ओपन सर्किट में भी एक क्या लगा था, वाट मीटर लगा था, और शॉर्ट सर्किट में भी क्या लगा था, वाट मीटर लगा था। ओपन सर्किट वाले ने क्या दिखाया था, आयरन लॉस दिखाई थी। शॉर्ट सर्किट वाले वाट मीटर ने क्या दिखाया था, उसने क्या दर्शाया था, उसने कॉपर लॉस दर्शाई थी। दो वाट मीटर लगाएंगे। अब देखो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे संयोजित करेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को संयोजित करने का तरीका देखो, सेकंड ये फेस आपका है और ये न्यूट्रल है। सेकेंडरी वाइंडिंग को संयोजित करने का तरीका बताता हूँ कि दोनों की दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित होंगी। गौर से सुनना, लेकिन कैसे होंगी ये बताता हूँ आपको, लेकिन कैसे होंगी, एक दूसरे से विपरीत होंगी। एक तो श्रेणी क्रम का तरीका ये होता है, आपको दिखाता हूँ, जैसे ये श्रेणी क्रम है देखो, ये एक तो श्रेणी क्रम का तरीका ये होता है, दोनों के दोनों मतलब इंडक्टर हैं श्रेणी क्रम, एक तो ये श्रेणी क्रम हो गया, ये भी श्रेणी क्रम ही है। एक श्रेणी क्रम ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी श्रेणी क्रम ही है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसमें क्या होगा, इसमें धारा देखो, इसमें धारा प्रवाह ऐसे है और इसमें धारा का प्रवाह ऐसे है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा। तो इनको भी इस प्रकार से ही संयोजित करना है, इनको भी इस प्रकार से ही संयोजित करना है। तो आपको मैं सीधा सिंपल दिखा देता हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या रहेगा कि दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में विपरीत रूप से श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में विपरीत रूप से श्रेणी क्रम में संयोजित की जाते हैं। तो ऐसे मान लो कि विपरीत रूप ही ऐसे, बस ये दिखा देता हूं, और यहां इनको क्या देंगे, सप्लाई देंगे, बस ये याद रखना आपको। ये कैसे है, विपरीत रूप से है। मैं आपको एरो रेखा दिखा देता हूं कि इनकी धारा ऐसे रहेगी, इसकी धारा ऐसे रहेगी, बस ये है, आप लोग इतना मान लो, ठीक है ना। ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर नंबर दो है, ये ट्रांसफार्मर नंबर दो है, और ये क्या आपका, ये ट्रांसफार्मर नंबर एक है। गौर से सुनता मेरी बातों को और आप अपने नोट्स में ऐड करते चले जाना, क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन सर्किट की करने की जरूरत नहीं है और शॉर्ट सर्किट करने की जरूरत नहीं है। सीधा के सीधा बैक टू बैक टेस्ट से ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट करके अपनी दक्षता को ही याद कर सकते हैं। तो केवल शॉर्ट सर्किट कर ले, वहां कितनी बड़ी समस्याएं होती है, समस्या को दूर हो जाएगी। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको सैंपल टेस्ट भी कहते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। यहां क्या करेंगे, इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे। तो यहां इसको सप्लाई से संयोजित किया तो एक वाटमीटर लगाया आप लोगों ने, ठीक है ना। वाटमीटर में क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, ये इसकी सीसी है और ये इसकी पीसी है, ये प्रेशर कॉइल है, करंट कॉइल, ये धारा को नापेगी, ये वोल्टेज को नापेगी, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगी, ये वाटमीटर की रीडिंग देगी। यहां देखो इसमें बताते हैं, यहां क्या लगाएंगे, सेम टू सेम वही कंडीशन आएगी, यहां भी एक वाटमीटर लगाएंगे, यहां भी क्या लगाएंगे, एक वाटमीटर लगाएंगे दोनों वाइंडिंग में। वाटमीटर की ये होगी आपकी करंट कॉइल और दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी आपकी प्रेशर कॉइल, ये आप लोगों की प्रेशर कॉइल, ये पैरेलल में संयोजित होगी। तो इसके साथ ऐसे संयोजित कर देता हूँ, ये कैसे होगी, पैरेलल में होगी, इसके साथ ये संयोजित कर देता हूँ मैं, ये आप लोगों की लग गई और ये चली जाएगी किस में, ये आपकी हो जाएगी आगे श्रेणी, आगे इसमें लोड लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, अब क्या करना है, एक वोल्ट एक एम्पीमीटर लगाते थे धारा चेक करने के लिए, ये एम्पीमीटर लगा दिया धारा देखने के लिए, एम्पीमीटर लगाया, और क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, चलो एक वोल्टमीटर यहाँ लगा देता हूँ मैं, एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ वोल्टेज नापने के लिए, ये वोल्टमीटर टू हो गया, ये एम्पीमीटर टू हो गया। गौर से सुना मेरी बात। अब देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां जो सप्लाई देंगे ये अपने हिसाब से इसको रेटेड धारा प्रवाहित करने के लिए देंगे कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहां क्या लगाएंगे, एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर ही दिखा देता हूं आपको, याद रखना, क्या दिखाएंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर ही दिखा देता हूं आप लोगों को, कि आपको कुछ कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना, आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। एक ये दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ से ये सप्लाई आ गई, इसको भी क्या देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे सिंगल फेज सप्लाई, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस आप लोगों को मैंने बताया कि वो आपको लिखवा दूंगा किस प्रकार से इसको संयोजित करेंगे। मैं आपको कुछ आगे इसको कुछ आगे बढ़ा देता हूँ कि इसको सिंगल फेज सप्लाई देनी है, किसको, नीचे आउटपुट में जो सिंगल फेज सप्लाई देंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ कुछ आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ये बस इतना ही, ठीक है ना, ये दिखा दिया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इसका संयोजन यहाँ करेंगे, ये क्या यहाँ पे संयोजन, और इसका संयोजन कहाँ करेंगे, इसका संयोजन इसके साथ करेंगे, इसका संयोजन इसके साथ करेंगे, यहां से यहां, ये आप लोगों का हो गया बैक टू बैक टेस्ट का सर्किट कंप्लीट। ये क्या हुआ, बैक टू बैक टेस्ट का सर्किट कंप्लीट हुआ यहां से, ये दे दिया आप लोगों को यहां पे। ये क्या है, यहां क्या मिलेगा आपको, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर मिलेगा, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर भी यहां पे संयोजित कर सकते हैं, याद रखना बात। और यहां सिंगल फेज सप्लाई होगी, बस और कुछ नहीं, बैक टू बैक टेस्ट। अब
अब कहोगे सर ऐसा तो किताबों में नहीं दिया होता है, कभी कभार देखते हैं ऐसा किताबों में नहीं आता है, तो दूसरा कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा बना के दिखाता हूं आप लोगों को मैं, ज्यादा वो हार्ड नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ पाओगे आराम से। देखो यहां लेते हैं दो ट्रांसफार्मर, क्या लेंगे, यहां दो ट्रांसफार्मर लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर ये ले लेता हूं आप लोगों को, एक ये ले लिया, और एक ये ले लेता हूं यहां पे, एक ट्रांसफार्मर ये ले लेता हूं, ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर लिए, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ये रहेंगी, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ये रहेंगी, इनको कहां से गे? सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे, किसके, सिंगल फेज सप्लाई से दोनों को संयोजित कर देंगे, याद रखना बात, इनको करेंगे सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित, और सिंगल फेज सप्लाई कहां से आएगी, यहां से देखो, यहां लगाएंगे एक ऑटो ट्रांसफार्मर, ये लगाए ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये गई आपकी, सिंगल फेज सप्लाई, इसको इससे संयोजित किया, और इसको इससे संयोजित किया, मतलब मेरे कहने का मतलब कि सिंगल दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग फेज वन न्यूट्रल के से संयोजित होनी चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, मैंने आपको बताया कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे संयोजित करेंगे, दोनों आपस में, दोनों के दोनों वाइंडिंग आपस में विपरीत रूप से संयोजित करेंगे, विपरीत रूप से कैसे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, विपरीत रूप से श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अब मान लीजिए मैं इस वाइंडिंग का संयोजन यहां कर देता हूं इसके साथ, यहां कर दिया इसके साथ, ठीक है ना, और इस वाइंडिंग का जो संयोजन है वो आगे निकल जाएगा यहां से, देखो यहां से इस वाइंडिंग का संयोजन आगे निकल गया, अब सर्किट दो हो गए आपके, यहां से ये सर्किट हो गया, दोनों वाइंडिंग में आपको मैंने बताया सप्लाई देंगे, अब दोनों वाइंडिंग में सप्लाई दी तो यहां इसको मैं वोल्टमीटर लगा दिया, दोनों का वोल्टमीटर नापेंगे यहां पे, ये दोनों का वोल्टमीटर लगा दिया, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं कि आपको उलझाने वाले क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, मैं वो क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन उलझाने वाले आएंगे, ठीक है ना, और यहां क्या देंगे, यहां आप लोगों को पता है एक स्विच लगाएंगे, क्योंकि काफी किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, यहां स्विच लगाएंगे, फिर कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, यहां एक वाटमीटर लगा देंगे, और यहां पे एक एम्पीयरमीटर लगा देंगे, यहां पे देखो ऐसे कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और बस ये सप्लाई दी इसको, यहां वाटमीटर लगाया, यहां पे एक वोल्टमीटर अलग लगा लेंगे, ये वोल्टमीटर टू रहेगा, ये थ्री रहेगा, और लास्ट में आके यहां पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देंगे, बस सप्लाई दे देंगे इसको, ये लगा दिया ऑटो ट्रांसफार्मर, ये सिंगल फेज सप्लाई दे दी, ये होगा आपका सेम टू सेम, यही ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें सेम टू सेम यही कंडीशन होगी। अब देखो ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर नंबर एक है, और ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर नंबर दो है, यहां पे लगाएंगे वाटमीटर, यहां पे लगाएंगे एक एम्पीयरमीटर, और एक लगाएंगे वोल्टमीटर, ये लगा दिया यहां पे, ये वाटमीटर नंबर एक हो गया, और ये आपके वाटमीटर की प्रेशर कॉइल लगा दी, ये वाटमीटर नंबर दो हो गया, ये आपका स्विच हो गया, ये ट्रांसफार्मर, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो गौर से, अब देखो सर्किट में क्या, बैक टू बैक टेस्ट, सर्किट में क्या है, इसको कहेंगे बैक टू बैक टेस्ट। अब बैक टू बैक टेस्ट में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से संयोजित होती हैं, सप्लाई से संयोजित की जाती हैं, एक बात यह आती है, फिर दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में विपरीत रूप से श्रेणी में संयोजित होते हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में या सीरीज में संयोजित होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती हैं, एक बात इसकी आती है, मुख्य बातें निकल गई, और बताता हूं आपको धीरे धीरे, दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित क्यों करेंगे, क्योंकि जब इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे
तो ये अपना वोल्टेज दिखाएगा, ये अपना वोल्टेज दिखाएगा, दोनों वोल्टेज दिखाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के होंगे, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर टू का मान क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। जिससे क्या मालूम होते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई वोल्टेज नहीं, इसमें भी वोल्टेज नहीं है, इसमें भी वोल्टेज नहीं है। और आपको पता है वोल्टेज का मान जीरो कहाँ होता है, धारा का मान, इसमें देखो इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कि इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होगा। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग खुले सिरों पर वोल्टेज का मान शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि इसका मान जीरो हो जाएगा, और इसका मान जब जीरो होता है इसका मान, तो क्या मानते हैं कि ये ओपन सर्किट हो जाता है, क्योंकि ओपन सर्किट में ही ऐसा होता है, तो ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, क्योंकि क्योंकि V2, ये क्या है, V2 का मान शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त करने के लिए V2 का मान शून्य प्राप्त करने के लिए, और V2 का मान शून्य होगा तो क्या कहेंगे, ये ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। क्या लिखेंगे, ये ओपन सर्किट की, ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। यहां से सप्लाई नहीं दी अब तक, यहां से सप्लाई देंगे तब बताऊंगा आपको, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। शून्य प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त करने के लिए इसको विपरीत रूप से संयोजित करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को। अब V2 का मान शून्य होता है, लिख लेना V2 का मान शून्य होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग की साइड से, प्राइमरी वाइंडिंग की साइड की ओर V2 का मान जब शून्य हो जाएगा, तो क्योंकि धीरे सप्लाई देंगे, V2 का मान शून्य होगा, तो अब यहां ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। तो ओपन सर्किट की भांति, मैंने आपको बताया कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो वाटमीटर था उसने क्या दर्शाया, उसने आयरन लॉस दर्शाई। तो इस कंडीशन में ये वाटमीटर क्या दिखाएगा, इस कंडीशन में यदि V2 का मान जीरो, देखो V2 बराबर जीरो है, V2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग पर, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज, V2 क्या है, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज है, तो W1 क्या है, ये क्या दिखाएगा, आयरन लॉस दिखाएगा। याद रखना बात, W1 क्या दिखाएगा, एक नंबर का वाटमीटर आयरन लॉस दिखाएगा, क्योंकि V2 का मान जीरो होते ये ओपन सर्किट कहलाएगा, धीरे धीरे याद रखना। तो अब देखो यहां से सप्लाई देने शुरू करेंगे, वापस दिया नहीं है, अब देंगे सप्लाई यहां से, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आती है, कभी कभार ये पूछा जाता है आप लोगों से कि दोनों ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या होता है, दोनों ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या होता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि दोनों ट्रांसफार्मर समान साइज के होंगे, टर्न रेशियो 1:1 होता है। टर्न रेशियो क्या रहेगा इनका, टर्न रेशियो, ये टर्न रेशियो 1:1 होता है दोनों का, मतलब कि इसमें भी यदि 10 टर्न तो यहाँ 10 टर्न, इसमें 20 टर्न यहाँ 20 टर्न, दोनों समान रहेंगे, टर्न रेशियो दोनों का 1:1 रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि समान साइज के ट्रांसफार्मर होंगे और टर्न रेशियो दोनों का समान होगा। अब बताओ यहाँ धारा का मान जीरो होगा, यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ धारा का मान जीरो होगा, तो I2 का मान क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए कहता है कि सेकेंडरी यदि V2 का मान जीरो होता है, V2 बराबर लिखना, V2 बराबर जीरो, तो I2 बराबर भी जीरो होती है, I2 बराबर भी जीरो होगी, I2 बराबर जीरो होगी, तो I2 बराबर जीरो होगी, क्यों I2 जीरो होगी, क्योंकि दोनों का फ्लक्स, इसका फ्लक्स कैसा है, इसका फ्लक्स मैंने बताया, इसका फ्लक्स 2 ऐसा है और इसका फ्लक्स 2 ऐसा है, और फाइव सी कुल फ्लक्स फाइव टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और फाइव टी बराबर जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा और इसका मान भी जीरो हो जाएगा, दोनों इसका मान भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये आयरन लॉस दिखाएगा, उसमें आयरन लॉस दिखाएगा, अब ये आयरन लॉस ही दिखाएगा हमेशा। अब धीरे धीरे यहाँ से सप्लाई देंगे तो ये आयरन इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें धारा का मान परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं इस कंडीशन में, आगे कौन सी कंडीशन में, इन दोनों ट्रांसफार्मर की अवस्था में ये V2 होता है, तो ये कहेंगे अब आपसे पूछा जाएगा बैक टू बैक टेस्ट में V2 का मान जीरो है तो किस प्रकार का सर्किट कहलाता है, ये ओपन सर्किट कहलाता है। बैक टू बैक टेस्ट में I2 का मान जीरो तो किस प्रकार का सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। अब कंडीशन बदलेंगे, दोनों ट्रांसफार्मर को लोडेड करेंगे, दोनों ट्रांसफार्मर लोड लगाएंगे, लोड कैसे, लोड तो अपने पास है नहीं, कि लोड कहां से लेके आएंगे, इतना माना कि 100 एमवीए का ट्रांसफार्मर तो 100 एमवीए लोड कहां से लेके आएंगे, 100 एमवीए लोड किसको देंगे। इसलिए मैंने बताया कि लोड, इसको लोडेड करना बहुत कठिन काम होता है, तो लोडेड यहां से करेंगे, इसको सप्लाई देंगे यहां से सप्लाई देंगे। दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर से रेगुलेटर ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, याद रखना दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को, अब मैं ये कंडीशन मिटा देता हूं, मैं आपको लिखा दिया, दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को रेगुलेटर ट्रांसफार्मर की सहायता से लिख देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग को रेगुलेटिंग, अब कहेंगे सर रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर क्या है, ये वोल्टेज अपने आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा करके देता है, इसमें वोल्टेज का मान कम ज्यादा कर सकते हैं, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से,
अब देखिए रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, इसको ये नोब है, नोब से आगे पीछे करेंगे इसको, तो यहाँ वोल्टेज का मान कम ज्यादा जाएगा, अपने आवश्यकता अनुसार जाएगा। रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से या ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या देखना, इतनी वोल्टेज प्रदान करेंगे, कितनी वोल्टेज देंगे यहाँ पे, इतनी वोल्टेज प्रदान करेंगे, जैसे माना कि यहाँ 100 वोल्टेज की है और ये भी 100 वोल्टेज की है, ये 100 वोल्टेज की नहीं, तो इतनी वोल्टेज प्रदान करेंगे कि इसमें दोनों की वाइंडिंग, इसमें भी देखिए इसमें धारा चलेगी और इसमें भी धारा चलेगी, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ से सप्लाई पहले से थी, यहाँ से सप्लाई देंगे अब, क्योंकि यहाँ से सप्लाई देंगे तो धारा यहाँ भी चलेगी, इसमें भी धारा चलेगी, इसमें भी धारा चलेगी, तो दोनों की धारा रेटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी, याद रखना। तो याद रखना सेकेंडरी वाइंडिंग को रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से इतनी वोल्टेज प्रदान करेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड धारा प्रवाहित होने लग जाए। रेटेड धारा का मतलब कि ट्रांसफार्मर में 100 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर था, 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने वाली थी प्राइमरी में, और यहाँ भी 200 थी, तो यहाँ 200 और यहाँ 100 हो, तो इतनी धारा मतलब उसमें रेटेड धारा प्रवाहित होने लग जाए। तो कितना वोल्टेज देंगे सहायता से, इतना वोल्ट प्रदान किया जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड धारा प्रवाहित हो, ठीक है। माना कि इसकी एम्पीयर रेंज क्या थी, यहाँ दोनों वाइंडिंग की बात करें, माना कि दोनों वाइंडिंग 100-100 एम्पीयर की, तो यहाँ मतलब कि अलग होगी, तो दोनों 100-100 एम्पीयर की, तो यहाँ 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जाएगी, दोनों वाइंडिंग 200 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने, 200 एम्पीयर धारा हो जाएगी, यहाँ ये वाइंडिंग 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने, तो 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जाएगी, रेटेड धारा प्रवाहित हो, इस प्रकार से इसमें अपने वोल्टेज प्रवाहित करेंगे। तो इस अवस्था में क्या होगा, यहाँ रेटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो यहाँ अब तक इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा, तो W1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस अवस्था में, रेटेड धारा प्रवाहित होगी, रेटेड धारा पर तो चल ही रहा था पहले, रेटेड धारा फिर प्रवाहित होगी, ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, पहले माना कि यहाँ इसको इसमें SW जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग के हिसाब से इसमें जो लोड लगाया था, इसमें वोल्टेज का मान जीरो क्या था, तो उस समय धारा प्रवाहित हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे वाट मीटर ने पहले भी आयरन लॉस दिखाया था, और अब यहाँ से लोड दे देंगे तो भी आयरन लॉस ही दिखाएगा। तो इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में रेटेड धारा प्रवाहित होती है, इस अवस्था में भी W1 की रीडिंग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा, तो ये क्या दिखाएगा, ये हमेशा आयरन लॉस ही दिखाएगा, कॉपर लॉस नहीं दिखाएगा, सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ आती है, ठीक है ना, कि यहाँ से इसको सप्लाई प्रदान करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई, ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, यहाँ से ये फेज और न्यूट्रल, तो यहाँ से ये वाट मीटर दिखाएगा कॉपर लॉस, लेकिन ये वाट मीटर है ये हमेशा WI को आयरन लॉस ही दिखाएगा, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से इतना ही वोल्टेज देंगे, जैसे यहाँ 100 वोल्टेज की है, 100 वोल्टेज की है, तो 200 वोल्टेज देंगे, रेटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी, रेटेड धारा देखेंगे कि ये कितनी एम्पीयर की धारा का ट्रांसफार्मर था, उतनी एम्पीयर धारा प्रवाहित होने देंगे, जिससे कि ट्रांसफार्मर लोडेड भी हो जाए और इसको उतना लोड देने की आवश्यकता भी नहीं हो। तो उस इस कंडीशन में क्या होगा, रेटेड धारा प्रवाहित, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाट मीटर 2, ये वाट मीटर 2 आपका, ये क्या है, W2 है, ये वाट मीटर 2 फुल लोड, क्योंकि आपको पता है कि फुल लोड कब मानते हैं, जब सेकेंडरी वाइंडिंग 100 एम्पीयर की है और 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवा दी, तो क्या कहेंगे, वो लोडेड हो जाएगी, तो यहां उतनी धारा प्रवाहित करवा दी आप लोगों ने इधर से, तो क्या कहेंगे, वो फुल लोडेड होगा, तो फुल लोड कॉपर लॉस WC दर्शाएगा, वाटमीटर क्या दर्शाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस, ही दर्शाएगा W2, याद रखना। इस कंडीशन में रेटेड धारा प्रवाहित हो जाती है, तो वाटमीटर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग पर संयोजित वाटमीटर 2 क्या दिखाएगा, हमेशा कॉपर लॉस ही दिखाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस दर्शाएगा। तो बताओ यहां से ओपन सर्किट टेस्ट भी ज्ञात हो गया, यहां से इसने क्या दिखाया, आयरन लॉस, ये क्या दिखाया, कॉपर लॉस, अपने को क्या चाहिए, कॉपर लॉस और आयरन लॉस ही चाहिए, क्यों चाहिए, दक्षता ज्ञात करने के लिए। तो बैक टू बैक टेस्ट क्यों करेंगे, दक्षता ज्ञात करने के लिए, या फिर कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों ज्ञात करने के लिए, या फिर कह सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों को ज्ञात करने के लिए बैक टू बैक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो दक्षता क्या होती है, देखो नीटा परसेंटेज बराबर होती है आउटपुट, याद रखना, आउटपुट अपॉन या आउटपुट, मैंने आपको लिखा याद होगा, आउटपुट प्लस लॉस, ये दिखाया था मैंने आपको, आउटपुट प्लस लॉस ये दिखाया था ना। अब आउटपुट जो भी होगी, यहाँ आउटपुट देखो, एक ट्रांस देखो, जैसे माना कि इसने 100 वाट की शक्ति दिखाई, 100 वाट दिखाया इसने, और इसने माना कि 30 वाट दिखाया इसने, गो आप सपोज करना इसने 100 वाट दिखाया, तो क्या एक वाइंडिंग की कॉपर लॉस है, नहीं, दोनों ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस है। तो एक ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस क्या होगी, एक ट्रांसफार्मर की WC कॉपर लॉस क्या होगी, W2 अपॉन 2,
इसमें दो का भाग दे देंगे तो एक किसकी निकल जाएगी, एक किसकी निकल जाएगी, और यहाँ इसी दूसरे एक ट्रांसफार्मर की ये कॉपर लॉस, दूसरे ट्रांसफार्मर की यदि एक ट्रांसफार्मर की बात की जाए, यहाँ डब्ल्यू आई का मान कितना होगा, एक ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस ज्ञात की जाए, एक ट्रांसफार्मर की ये कॉपर लॉस की बात कर रहे थे, ये कॉपर लॉस और यहाँ आयरन लॉस की बात कर रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस, आयरन लॉस क्या होगी, तो लिख सकते हैं डब्ल्यू आई बराबर एक ट्रांसफार्मर की डब्ल्यू वन अपॉन टू, तो एक ट्रांसफार्मर की होगी, तो एक ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो आउटपुट में आपको जो भी मिलेगा, आउटपुट में आपको जो भी मिलेगा आउटपुट लिख देंगे, जो भी ट्रांसफार्मर की आपको रेटिंग मिलेगी वो यहाँ लिखेंगे आउटपुट, याद रखना, प्लस डब्ल्यू वन अपॉन टू प्लस डब्ल्यू टू अपॉन टू, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो निष्कर्ष क्या निकला, ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, आप इससे भी ट्रांसफार्मर की दक्षता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और लास्ट में लगा देंगे इनटू 100 जो परसेंटेज भी निकल जाएगी, बोलो बैक बैक टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां तक का था, काफी बार पूछा जाएगा कि सैंपलर टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट। अब एक नाम और निकल के आता है, इसको लोड टेस्ट के नाम से जानते हैं, किसको, इसको लोड टेस्ट भी कहते हैं, इसको कहेंगे लोड टेस्ट के नाम से जानते हैं, बैक टू बैक टेस्ट को लोड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, एक टेस्ट ही आता है, और अपना अध्ययन किसका कर रहे हैं, अपने अध्ययन किया है बैक टू बैक टेस्ट का, या फिर ये लिख लो बैक टू बैक टेस्ट है, अध्ययन किसका किया है, बैक टू बैक टेस्ट या सैंपलर टेस्ट, अपने अध्ययन इसका किया है, बस और कुछ नहीं है बस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, आपके समझ में आया कि नहीं आया, वो आप कमेंट्स में लिख के बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुआ वो कमेंट्स में अवश्य लिख के, और फिर वीडियो को फिनिश करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।